हमारी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर दंबासु ने कैलाश पर अधिकार करने का अपना कुटिल उद्देश्य पूर्ण करने का दुस्साहस किया है। कैलाश शक्ति का केंद्र है, कैलाश को किसी भी प्रकार की क्षति हुई तो समस्त ब्रह्मांड संकट में आ जाएगा। इसलिए दंभासुर ने अपना अधिपत्य स्थापित किया जिससे वो समस्त शक्ति को नियंत्रित कर सके। किंतु कैलाश तो हमारा स्थान है, उस पे तो मात्र आपका अधिकार है। कैलाश से उत्पन्न ये शक्ति ने कैलाश को बांधा हुआ है। आपके एक आदेश से इस बाधा का अंत हो जाएगा। हाँ पिताश्री, आपकी शक्ति के समक्ष तो सभी की शक्तियां क्षीण पड़ जाती हैं। इसीलिए आप ही सहजता से इस शक्ति को नष्ट कर सकते हैं। नहीं गणेश, नहीं कार्तिकेय, कैलाश की शक्ति का संचार मुझसे ही हुआ है और ये शक्ति ब्रह्मांड की शक्ति के केंद्र से संयुक्त है। इसलिए इसे नष्ट किया तो समूचा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, जो मैं कदापि नहीं कर सकता। उचित अवसर की प्रतीक्षा की है दंभासुर ने कैलाश पर अपना अधिकार स्थापित करने की। उसने वही समय चुना जब हम कैलाश से प्रस्थान कर रहे थे। और अब कैलाश की शक्ति से ही इस बाधा का निर्माण कर अपनी सुरक्षा को भी निश्चित किया है उसने, क्योंकि उसे भलीभांति ज्ञात है कि हम उसे भेद कर संपूर्ण ब्रह्मांड को संकट में नहीं डालेंगे। पिताश्री, हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। देवताओं की ऊर्जा बार बार इस घेरे से टकराकर संपूर्ण कैलाश को भी नष्ट कर सकती है, और यदि कैलाश को क्षति पहुंची तो ब्रह्मांड की भी हानि होगी। दंभासुर का भाग्य था कि उसने रिक्त कैलाश पर आधिपत्य स्थापित किया, किंतु ये हमारा भाग्य है कि मैं और भैया इस घेरे के भीतर हैं। अब हम दोनों उसका वध कर कैलाश को उसके प्रकोप से मुक्त करेंगे, और इसका अंत होते ही इस अदृश्य मायावी घेरे का भी अंत हो जाएगा। अवश्य गणेश। चलिए भैया, दंभासुर से भेंट कर उसे उचित पाठ सिखाने का समय आ गया है। अनुचित करके किसी और के निवास का अधिग्रहण करने वाले को पाठ पढ़ाना होगा कि सृष्टि के समक्ष एक उदाहरण बन सके कि ऐसा करने वाले की कैसी दुर्दशा होती है। रक्षा का दायित्व तुम दोनों पर है पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय। विजय भव, तुम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना। अधिपति हूं मैं कैलाश का। उचित अधिकारी हूं महादेव के सिंहासन का।
ये क्या हो रहा है? संभालिए पिताजी, संभालिए। पिताजी, कैलाश में ये भूकंप कैसा? मेरी प्रचंड ऊर्जा भारी पड़ रही है इस पर। मुझ जैसा बलवान अधिपति जो स्थापित हो रहा है यहाँ पर, ये भूकंप मेरे प्रभाव के कारण उत्पन्न हो रहा है। उचित कह रहे हैं आप पिताजी, आपकी शक्ति नहीं संभाल पा रहा है ये कैलाश। इसकी चिंता हमें नहीं, उन देवताओं को करनी चाहिए जो शीघ्र अतिशीघ्र हमारे समक्ष अपने शीश झुकाने को बाध्य होंगे। ये भूकंपन शुभ संकेत नहीं है। देवताओं की ऊर्जा से संपूर्ण कैलाश कंपित हो उठा है, तो दंभासुर भी अवश्य सचेत हो ही गया होगा। भैया, आसुरी प्रवृत्ति क्रोध और अहंकार के वश में होने के कारण बुद्धि की शत्रु होती है, और असुरों की ये बुद्धिहीनता ही सदैव उनकी पराजय और विनाश का कारण बनती है। दंभासुर पर दंभ का इतना मत छाया होगा कि चिंतित होने के स्थान पर कदाचित इस भूकंपन को वो अपनी शक्ति का ही प्रभाव मान बैठा होगा। चलो फिर, दंभासुर का ये भ्रम हम तोड़ देते हैं। हम देवताओं की शक्तियां व्यर्थ हो रही है सुरक्षा घेरे के विरुद्ध। क्या करूं, इसे कैसे खंडित करेंगे हम? पुत्रो, ब्रह्मांड के स्वामी बनेंगे हम। त्रिमूर्ति होंगे हम। अब हम त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश इनका स्थान लेंगे। पिताजी, समस्त ब्रह्मांड की सत्ता अब हमारी होगी। हाँ। अनंत काल तक स्थापित रहेगा हमारा असुर साम्राज्य। उचित कह रहे हो पुत्रो, ब्रह्मा विष्णु महेश इनका स्थान अब हमारा होगा, केवल हमारा। पुत्र कार्तिकी, पुत्र गणेश, जो भी करना सावधानी से करना, अपने आप को सुरक्षित रखना। भैया, कैलाश में होने के कारण दंभासुर अभी अत्यंत शक्ति संपन्न हो चुका है, इसीलिए उसे शक्ति से नहीं चतुराई से पराजित करना होगा। हमें सर्वप्रथम उसे भवन के बाहर आने के लिए प्रेरित करेंगे हम, फिर मैं उसे उलझा लूंगा, तब आपको अवसर प्राप्त होगा और आप उसके अन्य असुरों को भी बाहर निकाल दीजिएगा। बस फिर कैलाश की शक्ति पर उसका नियंत्रण समाप्त होगा और ये सुरक्षा घेरा स्वयं मिट जाएगा। अनुज सेनापति गणेश, योजना तो अति उत्तम है तुम्हारी, किंतु इन असुरों को हम बाहर लाएंगे कैसे? अग्रज सेनापति कार्तिके, उसकी योजना है मेरे पास। भैया, आपको गिल्ली डंडा की क्रीड़ा भाती है ना? गिल्ली डंडा? गिल्ली डंडा? हाँ भैया,
हाँ मूषक जी, गिल्ली डंडा। प्रभु ये तो बहुत आनंददायक क्रीड़ा है। क्रीड़ा भी और युक्ति भी, कभी कभी सरल युक्ति ही मुक्ति का कारण बनती है। चतुर 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 ज्ञानी। पिताजी, ब्रह्मांड की समूची शक्ति के केंद्र कैलाश पर अधिकार करने की आपकी योजना अति उत्तम थी, जिसकी सफलता ने हमें सर्वशक्तिशाली बना दिया है। ये कैसी ध्वनि है? कहां से आ रही है ये ध्वनि? पिताजी, ये तो बहुत दूर से आ रही है। शीघ्र देखो पुत्रो, कहीं ये उन दुष्ट देवताओं का कोई छल तो नहीं। ये दोनों और क्या कर रहे हैं यहां? ये तो महादेव के पुत्र हैं। महादेव के पुत्र? आश्चर्य, ये दोनों यहां क्या कर रहे हैं? यहां कैसे प्रवेश किया इन दोनों ने? संकट, संकट का संकेत है ये दोनों। दोनों यहां हैं तो पुनः कैलाश पर अपना अधिकार करने का प्रयत्न करेंगे। हमें सावधान रहना होगा पुत्रों। चिंता छोड़िए पिताजी, ये तो मात्र बालक हैं। चिंता तो इन्हें होनी चाहिए। किंतु ये यहाँ कर क्या रहे हैं और इनका उद्देश्य क्या है, ये जानना अति आवश्यक है भैया। मैं थोड़ा ध्यान से देखता हूँ। समझा मैं, ये बालक तो गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, क्रीड़ा में मस्त हैं। हमसे युद्ध नहीं कर सकते ये, गिल्ली डंडा ही उचित है इनके लिए। पिताश्री, आपके ये दोनों महान पुत्र इन महादेव पुत्रों को अभी क्रीड़ा सिखा कर आते हैं। ऐसी क्रीड़ा सिखाएंगे इन्हें कि सीधा कैलाश के बाहर फेंक देंगे। जाओ पुत्रो और इन दोनों से शीघ्र छुटकारा पाओ। जाओ। जी पिताश्री। अब मेरी बारी है भैया। अच्छा, उचित है गणेश। ए बालकों, यहाँ क्या कर रहे हो? देखना भैया, इस बार मेरी गिल्ली आपसे कहीं दूर जाएगी। कितने भी प्रयास कर लो गणेश, किंतु मुझे पराजित नहीं कर पाओगे। ए बालकों, सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये क्या है? इतना विशाल काय मयूर? कोई बात नहीं, इससे तो मैं बाद में निपटता हूं।
बिल्ली तो मैं ही पकड़ूंगा मयूर जी। बिल्ली तो मैंने पकड़ ली, किंतु मयूर जी मुझसे टकराने वाले हैं। बच गया मैं। ये लीजिए प्रभु, अपने प्राणों को दाव पर लगाकर गिल्ली लेकर आया हूँ मैं। उत्तम, अति उत्तम मूषक जी। बड़ी विचित्र क्रीड़ा है ये, इसमें मयूर और मूषक भाग ले रहे हैं। ये लीजिए भैया, अब आप प्रयास कीजिए, देखते हैं आपकी गिल्ली कितनी दूर जाती है। अरे ये सब क्या हो रहा है यहाँ, हमारे प्रश्नों को उत्तर क्यों नहीं देते? अरे मैं कह रहा हूँ उत्तर दो, तुम्हारी उद्दंडता का दंड देना ही होगा तुम्हें, अन्यथा। ये सब क्या है? वाह भैया, वाह मूषक जी, इस बार भी गिल्ली मैं ही लपूंगा। अरे इस बार तो मयूर जी गिल्ली ले गए। बहुत हुई ये क्रीड़ा दुष्टों। बस रोको अपनी इस क्रीड़ा को। शीघ्रता कीजिए मूषक जी। अरे मूषक जी पकड़िए, मूषक जी गिल्ली। ये सब क्या हो रहा है ये सब? प्रथम पूज्य श्री गणेश और देव सेनापति कुमार कार्तिकेय दोनों का कोई समाचार नहीं, आशा करता हूँ वो दोनों वहां कुशल होंगे। महादेव, नारायण, ब्रह्मदेव, प्रत्येक बार ये ऊर्जा इस अदृश्य घेरे से टकरा कर लौट रही है, ये कैलाश के और भी समीप होती जा रही है। आपकी चिंता उचित है देवराज, किंतु अभी हमारी प्रतीक्षा करना ही उचित है। हमने यदि इस सुरक्षा घेरे को खंडित करने का प्रयत्न किया तो भी उसका परिणाम हानिकारक ही होगा। हाँ नारायण, इस समय हमारी शक्ति कैलाश को मुक्त कराने के स्थान पर उसे क्षति ही पहुंचाएगी। कितने भी प्रयास कर लो गणेश, किंतु तुम्हारी गिल्ली मुझसे अधिक आगे नहीं जा पाएगी, क्योंकि इस बार मैंने अपनी सर्वाधिक शक्ति जो लगाई थी। अच्छा, तब तो यही उचित होगा कि मैं भी अपनी सर्वाधिक शक्ति लगाऊं। आपका आकार मुझसे बड़ा है, इसलिए अधिक शक्ति लगा पाते हैं ना आप? तो लीजिए, मैं भी बढ़ा लेता हूं अपना आकार। अरे ये क्या, इसने अपना आकार इतना कैसे बढ़ा लिया? भ्राताश्री, ये बालक तो मायावी प्रतीत होता है। ए बालकों, बस बहुत हुआ। कदाचित अभी मेरा आकार पर्याप्त नहीं है, एक क्षण रुकिए तो भैया। हाँ अब उचित है। ए बालक, ये आकार बढ़ा लेने से कुछ नहीं होगा, तुम दोनों को हमारे प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा। और हाँ, होगे तुम शिव पुत्र होगे, पर हम लोग भी दंभासुर पुत्र हैं। वैसे भी अब तुम्हारे पिता कैलाश के स्वामी नहीं रहे, कैलाश के स्वामी तो हमारे पिता दंभासुर हैं। हम तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर भी देंगे और अपना खेल भी खेलेंगे, अब देखना कितना मजा आता है।
मेरे पुत्र अभी तक लौटे नहीं, क्या हो रहा है वहां? कैलाश के सिंहासन पर विचार करता हूं। मेरी शक्ति को नहीं सह सकेगा ये सिंहासन। उचित है। यहीं से शुभ सूचना प्राप्त करने की प्रतीक्षा करता हूँ। कैलाश का स्वामित्व प्राप्त करते तुम्हारे पिता दंभासुर तो महादेव के आसन पर स्थित होते, किंतु वो तो सेवकों के समान सोपान पर स्थित होने पर विवश है। हमारे पिता का अपमान कर रहा है ये बालक। महादेव का आसन ग्रहण करने का साहस कहाँ है उनमें? ए बालक, अनुचित है तुम्हारा कथन। छोड़ो इन्हें गणेश, आओ क्रीड़ा करें। हाँ भैया, किंतु मुझे तैयार तो होने दीजिए। जहाँ इच्छा होगी वहाँ स्थान लेंगे पिताजी। कैलाश के स्वामी है वो, किंतु तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बड़ा विचित्र प्रश्न है ये, देखते नहीं गिल्ली डंडा की क्रीड़ा कर रहे हैं हम। अरे अरे गणेश, ये क्या, आकार तो बढ़ा लिया तुमने किंतु अब डंडा छोटा रह गया। अब इतने छोटे डंडे से तुम अधिक बल कैसे लगा पाओगे? हाँ उचित कह रहे हैं आप भैया, मुझे बड़े डंडे की आवश्यकता है, किंतु बड़ा डंडा यहाँ कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा बड़ा डंडा, यहाँ तो कोई बड़ा डंडा दिख ही नहीं रहा। हाँ ये उचित है। ये क्या कर रहे हो? अरे भ्रातश्री संभल के, अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ दो मुझे। अरे ये बालक क्या कर रहा है? लीजिए भैया, बड़ा डंडा भी ढूंढ लिया मैंने। अरे ये क्या कर रहे हो दुष्ट बालक, नीचे उतारो मुझे, डंडा नहीं हूँ मैं। भ्रातश्री संभल के। अरे अरे ये क्या कर रहे हो, नीचे उतारो मुझे। भ्रातश्री आप चिंता मत कीजिए, मैं ये गिल्ली को ही हटा दूंगा। अरे कष्ट हो रहा है मुझे, छोड़ो मुझे। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अरे रुको बालक, अरे रुको, लो गणेश, अब मैं इस गिल्ली को पुनः तुम्हारी ओर भेज देता हूँ। ये मेरे पुत्रों की चित्कार क्यों सुनाई दे रही है मुझे? अरे ये उचित नहीं है। लो गणेश, फिर आ गई गिल्ली तुम्हारे पास, पुनः इस बार और दूर भेज दो इस गिल्ली को। वाह भैया, इस गिल्ली डंडा में तो और भी आनंद आ रहा है। अरे कष्ट हो रहा है मुझे, छोड़ो मुझे। देखूं तो सही क्या हो रहा है वहां।
ये कंदूक कहां से आ गई यहां? ये शिव पुत्र इतना विशाल काय कैसे हो गया? ये लीजिए भैया, अब आपकी बारी। मेरे दोनों पुत्र सुंदर प्रिय और विषय प्रिय कहाँ है? ये तो कंदूक नहीं है, ये तो कोई जीवित प्राणी है। इसके तो हाथ पांव हैं। बड़ी आनंददायक क्रीड़ा कर रहे हैं। अरे ये तो मेरे पुत्रों से क्रीड़ा कर रहे हैं। क्रीड़ा की सामग्री नहीं। सैनिकों कहाँ हो? शीघ्र जाओ, वो दुष्ट शिव पुत्र तुम्हारे युवराजों को प्रताड़ित कर रहे हैं। जाओ सुंदर प्रिय और विषय प्रिय की रक्षा करो। गणेश सावधान, अपने पीछे देखो। क्या हुआ बालक? सैनिकों को देखकर प्राण सूख गए तुम्हारे? अब शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा कि कौन है कैलाश का स्वामी। अच्छा तो ये भी देख लेते हैं असुर जी। हम अपने स्वामी पर कैसे प्रहार कर सकते हैं? युद्ध करना है तो अपने किसी अस्त्र से करो। भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं शीघ्र ही आपको इस दुष्ट बालक के हाथों से मुक्त करवा दूंगा मैं। अरे देख क्या रहे हो सैनिकों, आक्रमण करो ये दुष्ट बालक पे। जाओ ऐसे तो भ्रातश्री को कष्ट होगा। ये तो हमारी वार हो रहा है, अपना बचाव करना होगा हमें। मेरे पुत्र की ऐसी दुर्गति कर रहे हैं ये शिव पुत्र। अरे रुको मूर्खो, अपने वार से ज्येष्ठ सुंदर प्री को आहत कर रहे हो तुम लोग। रुको दुष्ट बालक, मैं करूंगा तुम्हारी दुष्टता का अंत। मेरी बाणों को नष्ट करने वाला ये दूसरा बाण कहां से आया? शिव पुत्र धनुष बाण लेके खड़ा है। अरे छोड़ दो मुझे, अरे डंडा नहीं हूं मैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं अब। पिताश्री स्थिति मेरे नियंत्रण के बाहर है, अब आपको ही कुछ करना होगा। पिताश्री मेरे ही कैलाश में आकर मेरे ही पुत्रों को क्षति पहुंचाने का साहस कर रहे हैं ये शिव पुत्र, मैं इन्हें इसका दंड दूंगा।
दुष्ट बालक, मात्र तुम ही अपना आकार बढ़ाने में सक्षम नहीं, अब देखो मैं क्या करता हूँ। कंदुक बनाया था ना तुमने, अब देखो इस कंदुक का सामर्थ। अब मेरे पुत्रों से रक्षा नहीं कर पाएंगे ये दुष्ट शिव पुत्र। अब तुम करो मेरी शक्ति का सामना। इन दुष्टों को अपनी मायावी शक्ति से ही परास्त करना होगा मुझे। स्वयं को इस विशाल काय कंदुक में परिवर्तित करके ये क्या करने जा रहा है? आओ आओ, करो प्रहार अपना। देवताओं की इस ऊर्जा का यही उचित प्रयोग होगा। गणेश कार्तिक के सुरक्षित तो है ना? मेरे पुत्र, मेरे दम्भ के आधार विषय प्रिय को गिरा दिया इस तुच्छ शिव पुत्र ने। अब ये असुर पराजित हो गए भैया। हाँ गणेश, अब शेष असुरों को भी कैलाश से बाहर करना होगा। अरे ये तो पुनः उठ गए। अच्छा, ये कैलाश चाहिए ना तुम्हें, इसलिए युद्ध कर रहे हो। अगर ये कैलाश का अस्तित्व ही ना रहे तो क्या करोगे तुम लोग? प्रातःश्री, ये क्या करने जा रहे हैं आप? क्या कर रहे हो पुत्रों? ऐसे तो कैलाश नष्ट हो जाएगा। Thank you.
गलत है। हमारा कैलाश कौन है वहां? अच्छा, तो अपनी इस क्रीड़ा से छक्का रहे हो मुझे। माँ पिताश्री का स्थान, भटका हुआ है। भ्राता विषय प्रिय है। हाँ भ्राता सुंदर प्रिय, यही उचित अवसर है आक्रमण करने का। भैया ये क्या हो गया? आक्रमण! जिन असुरों ने हमारे कैलाश को ध्वस्त किया है अब वो भी नहीं बचेंगे। गणेश, सावधान गणेश, स्वयं को संभालो अनुज। समक्ष कैलाश, पिताश्री महादेव का स्थान, माँ महाशक्ति का स्थान, मेरा और भैया कार्तिकेय का निवास, ब्रह्मांड की समस्त शक्ति का केंद्र स्थान नष्ट हो रहा है। क्या सोचा था तुमने देव सेनापति शिवपुत्र कार्तिकेय? तुम और तुम्हारा गजमुख भ्राता मिलकर हम दंभासुर पुत्रों का अंत कर सकोगे? देखो देखो कितना भयंकर परिणाम हुआ है उसका। हमारा स्थान नष्ट हो गया। तुम्हारा भ्राता स्तब्ध खड़ा है और तुम अकेले घिरे हुए हमारी सेना से। एक कुशल और बुद्धिमान योद्धा अकेला ही पर्याप्त होता है। मूर्ख दंभासुर पुत्र, मैं अकेला ही सक्षम हूं तुम्हारे लिए। तुम विजयी हुए नहीं हो और ना ही हो सकोगे। विजय तो हम अवश्य होंगे और अंत भी करेंगे तुम्हारा, और हमारे युद्ध कौशल से भी अभी परिचय हो जाएगा तुम्हारा। सैनिकों आक्रमण करो इस पर और नष्ट कर दो इसे। उचित है, तुम्हारे जितने सैनिक वार करेंगे मुझ पर उन सभी का संहार करूंगा मैं। तुम्हारा भी संहार करूंगा मैं। सैनिकों आक्रमण करो इस बार।
समस्त सेना को नष्ट कर रहा है। भ्राता सुंदरप्री, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, कभी न कभी तो थकेगा ये, अवसर मिलते ही इसका वध कर देंगे। सैनिकों, तुम निरंतर इस पर आक्रमण करते रहो, अवसर पाते ही वध कर दो। मूर्खों, जितने सैनिक भेजोगे उतने असुरों का अंत होगा, तुम्हारी संपूर्ण सेना भी नहीं टिक सकेगी मेरे समक्ष। छोटा भाई मानसिक आघात से समाप्त हो जाएगा और बड़े भाई को हमारे असुर सैनिक समाप्त कर देंगे। गणेश अभी भी स्तब्ध खड़ा है। नहीं, हमारा निवास तो खंडित हो रहा है। अनुज, संभालो स्वयं को। नष्ट हो रहा है हमारा कैलाश, पिताश्री और माँ का कैलाश, और मैं इस प्रकार असहाय खड़ा रहने पर विवश हूँ। चलो पुत्र, अब कैलाश लौट चलते। किंतु कैसे हो गया ये? हम तो यहाँ कैलाश को मुक्त कराने आए थे। संपूर्ण ब्रह्मांड, सभी देवी देवताओं की रक्षा का दायित्व तुम दोनों पर निश्चित करें। हाँ माँ, हम हमारे कैलाश को अवश्य मुक्त कराएंगे। और मैंने ये कैसे होने दिया? इतने समय से माँ कैलाश लौटने के लिए आतुर थी, और जब वो लौटी तो उनका निवास कैलाश ही नष्ट हो चुका है। देवताओं और कैलाश की सुरक्षा का दायित्व तुम्हारा है। मा, मा, मा। पुत्र, मेरा पुत्र मुझे पुकार रहा है। क्या हुआ उमा? ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं है स्वामी, किंतु माँ को अपने पुत्र पर आए हुए संकट का आभास हो जाता है। मेरा पुत्र संकट में है। दिया वचन पूर्ण ना कर सका मैं, हमारे निवास कैलाश की रक्षा ना कर सका, सब नष्ट हो गया। आप, भैया, पिताश्री, सभी को निराश किया है मैंने। मैं आप सभी का दोषी हूँ माँ, मैं सफल ना हो सका। ऐसा क्यों कह रहा है गणेश? वो सफल नहीं हो सका? वो कैसे असफल हो सकता है? क्या हुआ है? सभी के विघ्न हरता है, वो इस प्रकार स्तब्ध खड़ा है। मेरा पुत्र गणेश, किंतु क्यों हो रहा है ऐसा? कैलाश नष्ट हो रहा है? पुत्र गणेश, क्या बात है उमा, आप चिंतित क्यों हैं? ऐसा क्या देखा आपने? ऐसा क्या हुआ होगा जो माता इतनी व्याकुल हो उठी? प्रथम पूज्य गणेश जी और देव सेनापति कार्तिकेय सुरक्षित तो है ना? ये उचित नहीं, उचित नहीं है ये। अब मुझे ही कुछ करना होगा।
आदिशक्ति हो, जगत जननी हो तुम उमा, तुम्हारे समक्ष किसी भी संकट का कोई अस्तित्व कहाँ। अब संसार को मेरे एक और अवतार की आवश्यकता है। माँ का हृदय अपनी संतान को कष्ट में कदापि नहीं देख सकता। गणेश को इस स्थिति से बाहर तो उसकी माता ही निकाल सकती हैं। पुत्र गणेश, मैं तुम्हें इस अवस्था में कदापि नहीं रहने दूंगी। कितना असहाय अनुभव कर रहा हूँ मैं, इस अनर्थ को नहीं रोक पा रहा हूँ। नष्ट हो गया कैलाश और मैं कुछ भी करने में असमर्थ रहा। माता, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। पिताश्री। गणेश, ये किसने पुकारा मुझे? किसी का भी स्वर हो, अब किसी के पुकारने का या कुछ भी कहने सुनने का क्या लाभ? ये दिव्य प्रकाश कैसा? गणेश, क्या हुआ गणेश? इतने दुखी, इतने चिंतित, इतनी पीड़ा में क्यों हो तुम? मेरी पीड़ा का कारण तो स्पष्ट है, आप अवश्य कोई दिव्य शक्ति हैं। तो जो हुआ वो आपसे भी छिपा तो नहीं? वही तो मेरा प्रश्न है, ऐसा क्या हुआ है? ये वास्तविकता जो मेरे समक्ष है आपको कैसे नहीं दिखाई दे रही है? देखिए, देखिए, मेरा कैलाश नष्ट हो रहा है। तुम्हारा कैलाश? हाँ, मेरा कैलाश, मेरे संपूर्ण परिवार का निवास कैलाश नष्ट हो रहा है। इस सत्य से कैसे मुख मोड़ लूं? जिसे तुम सत्य मान रहे हो वो कैलाश कहाँ है? उसका अस्तित्व ही नहीं है, जिसके नष्ट होने का कष्ट हो रहा है तुम्हें। और पुत्र, उसको खोने का क्या दुख, जिसका अस्तित्व ही नहीं? कैलाश कहाँ है, उसका अस्तित्व ही नहीं है? अर्थात जो है, जो दिखाई देता है, जिसे सभी जीव अनुभव करते हैं, ये संपूर्ण सृष्टि, ये सभी सांसारिक क्रियाकलाप सब माया है। तो फिर इस मायावी संसार में किसी वस्तु या स्थान से मुंह का क्या लाभ? जो है वो नहीं है, क्योंकि वो माया है, इसका क्या अर्थ है? मैं कुछ समझा नहीं, आप कौन है? तुम मुंह माया में इतने बन चुके हो कि मुझे भी पहचानने में असमर्थ हो रहे हो। जो हो रहा है उसे भूलकर मेरे प्रकाश पर अपना ध्यान केंद्रित करो पुत्र, तो तुम मुझे देखकर जान सकोगे। पुत्र, मैं महामाया हूँ, तुम्हारी माता शक्ति का स्वरूप। देवी महामाया, प्रणाम माँ। नेत्र जिन्हें देख सकते हैं, शब्दों में जिनका वर्णन किया जा सकता है, इंद्रियां जिनका आभास कराती हैं, वो जीव जंतु पेड़ पौधे गृह सभी मेरी ही मायावी शक्ति से रचित है। यदि सभी कुछ माया है तो मुझे दिखाई क्यों देता है? माँ महामाया, ऐसा आभास क्यों होता है? जैसे यही सत्य है, जैसे अभी मुझे अपना निवास स्थान कैलाश मिटता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसे तुम अपना कैलाश कह रहे हो वो भी माया ही है, क्योंकि सत्य तो एकमात्र आत्मा है, जिसने जल वायु अग्नि आकाश और पृथ्वी इन पंच तत्वों से तुम्हारे तन और मन रूपी माया के आवरण को ओढ़े हुए एक आकार ले लिया है। किंतु एकमात्र आत्मा ही ब्रह्म है, उसके सिवाय सब माया ही। किंतु मैं सभी कुछ प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। कैलाश का नष्ट होना, मेरे भैया का अकेले असुरों से युद्ध करना, यदि ये माया है तो सत्य क्यों प्रतीत हो रहा है माँ? पुत्र, ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुमने अपनी चेतना को अपने नश्वर शरीर से जोड़ लिया है। अपने हाथों को देखो पुत्र, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मेरी उंगलियां, मेरे हाथ। अब अपने नेत्र बंद करो पुत्र, अपनी इंद्रियों से अपना ध्यान हटाओ
और अपने अंतर में स्थित अपने पर भ्रम पर अपना ध्यान केंद्रित करो। हमारा निवास तो खंडित हो रहा है, नष्ट हो रहा है हमारा कैलाश। माँ, 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 पुत्र गणेश। अपने नेत्र खोलो पुत्र, पुनः देखो अपने हाथों पर, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? प्रकाश, दिव्य प्रकाश। उचित है पुत्र, जो भी तुम्हें दिखाई देता है, सभी चराचर जीव और चेतन जो इस संसार में है वो इसी प्रकाश के स्वरूप है, जिन्हें मेरी माया की शक्ति से आकार प्राप्त हुआ है। अद्भुत है ये दिव्य प्रकाश, धन्य है आप महामाया। माँ महामाया, यदि सभी कुछ इस प्रकाश का ही प्रतिरूप है तो ये भी बताइए कि इस प्रकाश का स्रोत क्या है? पुत्र गणेश, इस प्रकाश के स्रोत तो महागणपति ही है। मैं ही सृजन करता हूँ, मैं ही पालनहार हूँ और संहारक भी हूँ। मैं ही प्रकृति हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी मैं ही हूँ और मैं सबसे परे भी हूँ। मैं यत्र तत्र सर्वत्र हूँ। धन्य है आप महागणपति, आपको कोटि कोटि नमन। आपके विराट रूप के दर्शन से मैं धन्य हुई। पुत्र गणेश, कैलाश के प्रति तुम्हारे मोह के कारण ही विषप्रिय अपनी कपट माया से तुम्हें भ्रमित करने में सफल हुआ। उसने ऐसा भ्रम उत्पन्न किया जिससे तुम्हें लगा कि कैलाश नष्ट हो गया, जबकि सत्य तो ये है कि कैलाश कुशल यथायत है। उचित कहती है, कैलाश तो वैसा ही है जैसा पूर्व में था। मैं ही भ्रमित हो गया था, मेरा मोह था मेरे भ्रम का कारण, जिसका लाभ उठाया विषय प्रिय ने। किंतु अब मैं माया के प्रभाव से मुक्त हो चुका हूँ। हाँ पुत्र गणेश, महादेव और देवी पार्वती का स्थान कैलाश कभी कैसे नष्ट हो सकता है? वो तो प्रलय के समय भी यथावत रहेगा, किंतु असुर तो भविष्य में भी माया का ही प्रयोग करेंगे। किंतु अब माया मोह से मुक्त होकर मैं कभी भ्रमित नहीं होऊंगा। पुत्र गणेश, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, जहाँ तुम्हारे नाम का स्मरण होगा
वह मोह माया का भ्रम कभी भी अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाएगा। धन्यवाद माँ महामाया, मैं कृतार्थ हुआ। हाँ पुत्र, अब तुम्हें अपना कार्य पूर्ण करना है, अपने अग्रज की सहायता करनी है, अपने माता और पिताश्री को दिया अपना वचन पूर्ण करना है, कैलाश को मुक्त कराना है। हाँ माँ, मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह अवश्य करूंगा माँ। कल्याण हो पुत्र। पुत्र गणेश, अपनी आंतरिक प्रकाश पर ध्यान केंद्रित कर अपना कर्म करो। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ, तुम अवश्य सफलता प्राप्त करोगे। अब इन असुरों के अंत का समय आ गया है। तो मिल गई, किंतु कैलाश पर छाए इस वास्तविक संकट से तत्काल मुक्ति पाना अति आवश्यक है, जो देवताओं द्वारा उत्सर्जित शक्ति से उत्पन्न हुई है, अन्यथा कैलाश का तो अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा। माया का प्रभाव किसी को भी अपने वश में कर सकता है, किंतु हमें सजग रहकर उसका सामना करना चाहिए। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.